بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هر قسم دی حمد و ثنا تعریفات و تسبیحات تحمیدات تمجیدات کبریائی بریائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات امام الحرمین ساقی کوثر شافی محشر آمینہ دلال آمینہ در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ و مبارکہ ساتھیو بزرگو نوجوان دل عزیز بھائیو حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کعبے دی تعمیر کر رہے نے تے اللہ تعالیٰ دے کولوں اے دعا فرما رہے نے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک اے مالکہ اے کائنات دے لوگاں دے وچ
इन्हां दे अंदरों ही एक नबी, एक पैगंबर, एक रसूल भेज दे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी दुआ दा मकसद, नबी दी आमद, नबी दे भेजने मंगवाने दा मकसद कि हर तरफ जुल्म व सितम, हर तरफ गुनाह दे अड्डे, हर तरफ बुराइयां आम हो चुकियां ने, इंसान नू इंसान नहीं समझा जा रहा सी कि अल्लाह तू इन्ना विच पैगंबर भेज, इन्ना दे विचों भेज ताकि वो तेरी आयाते नुरानिया, तेरे कुरान दी, तेरे कलाम दी तिलावत करे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इन लोगों नू आ करके किताब अल्लाह दी तालीम दे, किताब हिकमत समझाए। और फरमाया वयुज़क्कीहिम, इन लोगों नू पाक करे, इन दा तज़किया नफ्स करे। और अल्लाह ताला पता की फरमांदे ने तज़किया नफ्स करने वाले दे बारे, फरमाया कद अफलह मन तज़क्का, वो बंदा कामयाब हो गया है जिन्हें अपने नफ्स दा तज़किया कर लिया। और जिन्ना दे नफ्सा दा तज़किया, जिन्ना दे नफ्सा नू पाक आमिना दा लाल करे, जिन्ना दे तज़किये आमिना दा लाल करे, होते फिर बहुते ही पाक हो गए ने। हजरात मोहतरम, हर तरफ बुराई दा दौर ते अल्लाह ताला ने ना इन्ना लोगों दे अंदर, इन्ना लोगों दे विच्चों ही एक पैगंबर अता फरमाया, एक पैगंबर नाजिल कीता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी आमद माहे रबीउल अव्वल दबा बरकत महीना जारी और सारी है ते अल्लाह ताला दा कुरान की ऐलान कर दे। तवज्जो फरमाइएगा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, नबी पाक दे नाम ते दुरूद ना पढ़न वाला, नबी पाक दा नाम आए ते अपने लबां नूं बंद करन वाला, खामोशियां इख्तियार करन वाला, मैं नबी पाक फरमांदे ने कायनात दे लोगो, सारी कायनात विच्चों उस तो वध के बंदा बखील कोई नहीं है, कंजूस कोई नहीं है। जिंदे सामने मेरा नाम जिक्र कीता जाए, जिंदे सामने मेरा नाम लिया जाए ते उंदी जुबान मेरे ते दरूद पढ़न वास्ते ना हिले। नबी पाक फरमांदे ने सब तो बड़ा कंजूस ते बखील है, इसे वास्ते जो मेरे नबी दा नाम आवे ना ते गज वज के दरूद पढ़ने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की फरमांदे ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बअस फीहिम रसूला। अल्लाह फरमांदे ने मैं कायनात दे लोगां उत्ते ना, मैं दुनिया जहान दे लोगां दे उत्ते एहसान कीते। अल्लाह ताला ने मनु सुनन वास्ते कन दे छड़े, मैं सुनना वा। अल्लाह ने अखां दित्तियां मैं देखना वा, अल्लाह ने जुबान दित्ती मैं बोलना वा, अल्लाह ने हाथ दित्ते ने मैं चीजा उठाना, अल्लाह ने पैर दित्ते ने मैं चलिया करना वा। ये सारे अल्लाह दे एहसान ने, ये सारे अल्लाह दे इनाम ने। यारा अगर अल्लाह ना देंदा ते मैं ते कुछ नहीं सी ना कर सकदा, अल्लाह लूंगा ते लंगड़ा पैदा कर देंदा, अल्लाह गूंगा पैदा कर देंदा, अल्लाह बैरा ते जनाब, अल्लाह अखा तो अन्ना पैदा कर देंदा, ते मैं की कर सकदा सा, रब दा कुछ नहीं सी कर सकदा। ए अल्लाह ने एहसान कीते ने, ते एक बात मैं जड़ी अक्सर कहा करना वा, जदों एक बंदा बंदे उत्ते एहसान कर दे ना, ते एहसान मंद जेड़ा जिंदे उत्ते एहसान कीता जांदा है, ओ सारी जिंदगी
बंदगी उस बंदे दिया तरीफा कर दे कि यार मेरे औखे वेले काम आया सी इन्हें मेरे ते फलां फलां एहसान किते ने उनका एहतराम ते उनकी इज्जत कर दे दुनिया दा सोले ओ जिदो रब एहसान खरे ते खाए ना ते बंदे क्यों भुल जाने रब दे एहसाना नू ना जुलम दी तरफ जाया कर ना इन्ना नेमतां नू गुनाह विच इस्तेमाल करया कर ए सारे एहसान अल्लाह दे ने ते अल्लाह फरमांदे ने इन्ने एहसान करन तो बाद ना मैं एक एहसान और कर छड़े फरमाया मैं नबियां दा सरदार कायनात दा इमाम रसूल वी ना उत्थे नादल कर छड़े इन्ना दे अंदरों भेज छड़े हजरात मोहतरम तवज्जो फरमाइएगा मेरे नबी दी आमद कोई आम आमद नहीं है मेरे नबी दी शान कोई आम शान नहीं है अल्लाह ताला ने ना अल्लाह ताला ने जिदो आदम अली सलाम तो सलाम नु मबूस कीता है ना दुनिया ते उतारिया ते नबूवत मशहूर कीती गई है एक अलाखे वास्ते एक जनाब कबीले वास्ते नबूवत दा जनाब पईया चले आए इब्राहिम आए ने ते अपनी लिमिट दे अंदर रह के अपने वक्त तक नबूवत मनवाई है हजरत मूसा आए ने हजरत इस्माइल आए ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आइने ना अल्लाह ताला ने हर पैगंबर नु नबूवत दीती रसालत दा मनसब अता कीता है ना ते हर पैगंबर दी नबूवत हर रसूल दी रसालत एक वक्त तक महदूद हुई है जिदो ओ नबी इस दुनिया तो गया ना जिदो पैगंबर इस दुनिया तो गया ते उंदे अकामात दी पैरवी मनसूख कर दीती गई है अल्लाहु अकबर अल्लाह लेकिन मेरे पैगंबर दी आमद इंज नहीं हुई मेरे पैगंबर दी रसालत इंज नहीं मनवाई गई मेरे पैगंबर दी नबूवत इंज नहीं तस्लीम करवाई गई फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन फरमाया असी जिदो आमिना दिलाल नु नाजल कीता ना आमिना दिलाल नु नबूवतां ता कीतियां एक कबीले वास्ते एक हलाके वास्ते नहीं एक वक्त दा नबी नहीं एक वक्त दा रसूल नहीं बल्कि फरमाया मां खान मुहम्मदुन अबा खदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाही व खातमन नबीन फरमाया उन क़यामत ते आ सकदी है उन क़यामत ते कायमा हो सकदी है लेकिन हुन दुनिया दी धरती ते नबी नहीं आ सकदा हुन पैगंबर नहीं आ सकदा क्योंकि मेरा लाडला पैगंबर मुहम्मद जो आ चुके है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम मेरे पैगंबर आए ना ते फरमाया अल्लाह नबी आबादी ओ कायनात दे लोगो मेरे तो बाद कोई नहीं पैगंबर आ सकदा कोई नबी नहीं आ सकदा नबूवत खत्म कर दिती गई है आज अगर कोई नबूवत दे दावे कर दे ना आज कोई नबूवत दे ऐलान कर दे ओ झूठा खाना कज़ाब ते हो सकदे नबी नहीं हो सकदा ओ पैगंबर नहीं जे बन सकदा हजरत तेजी बखार आइए ना नबी अली सलातो सलाम दी आमद आमद मुस्तफा दे अंदर इख्तलाफ है आज तक कोई भी तारीख साद कोई भी मुअर्रख या मुसन्नफ कोई भी जनाब हदीस बयान करन वाला नबी अली सलातो सलाम दी जनाब आमद वलादत तारीख मुकर्रर नहीं कर सकया सही मानिया विच नहीं मिली कई तारीख नबी पाक दी
आई कि इस दिन नबी पाक पैदा हुए ने। एक मुअर्रख लिख दे कि 8 रबीउल अव्वल दी नबी पाक दी आमद है। दूसरा कहंदे कि 9 रबीउल अव्वल दी आमद है। तीसरा कहंदे 10 दिए। एक कहंदे 12 रबीउल अव्वल नु जनाब नबी पाक इस दुनिया ते आए ने। एक कहंदे 18 रबीउल अव्वल दा दिन सी ते मेरे पैगंबर इस दुनिया ते नाजिल होए ना। मेरे पैगंबर पैदा होए ना 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 मेरे वीर कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। लेकिन हजरत तेजीब कार आज हर बंदा खुशियां पे मनांदा है। हर बंदा जनाब मुस्कुराता हर बंदा खुश होंदा फिर दे। कोई जनाब मैं गली विच गल जांदा प्यासा कोई लब्बैक या रसूल अल्लाह दे बिना ही मार दे। कोई जनाब जश्न विलादत पे मनांदे कोई अहलन व सहलन व मरहबा या रसूल अल्लाह दे जनाब नगमे पे गांदे सरकार की आमद मरहबा ते जनाब अपनी खुशी दे इजहार पे कर दे। हर बंदे दी खुशी दे अंदाज वखरे ने। हर बंदे दी खुशी दे जनाब तरीके वखरे ने। हर एक दी पसंद वखरी है। लैला नू मजनू पसंद तेरी अपनी नजर मेरी अपनी नजर तेरी अपनी नजर मेरी अपनी नजर तेरी जुदा पसंद मेरी जुदा पसंद तुझी को खुद पसंद मुझी को खुदा पसंद। ओ यार बलादत ते भी भला लड़ाइयाँ करनिया ने। नबी दी आमद ते भी भला लड़ाइयाँ ते इख्तलाफ करना है। छाड़ दे इख्तलाफ छाड़ परा लड़ोले छाड़ लड़ाइयाँ ते नबी दी आमद वेखना। आमद ते हर एक मन दे अज मेरी मजलस मेरी महफल अंदर अहले हदीस भी मौजूद थे जनाब बरेल भी लोग भी मौजूद ने। देवबंदी भाई भी आए होंगे अहले तशय्यद भी हो सकता है कोई साथी मौजूद होवे। हर एक मन दे नबी दी आमद नू हर एक नबी दी वलादत नू मन दे। गल मुक गई वलादत तो गई है अगे बात बढ़ाइए ना। बीबी आमना नबी पाक दी वालदा माजदा जनाब बयान कर दिया ने कहंदियां जिदो नबी पाक दी आमद होने वाली सी ना जिदो नबी पाक पैदा होने वाले सन्ना। नबी पाक दी आमद तो एक दिन पहले दी बात बयान करन लगिया गालबन तारीखे ही शाम दे अंदर वाकिया मौजूद है। कहंदियां मैं सोचिया नी आमना तेरे घर एक लाल आन वाले तेरे घर एक लखते जिगर आन वाले ना। कोई चिराग दा बंदोबस्त कर कोई लैटा लगा कोई रोशनियां दा बंदोबस्त करना। मिलाद मनाना है वलादत मनानी है नबी पाक की तवज्जो मेरी तरफ करिएगा। इशारतन बाते कहंदे मैं वलादत वास्ते चिराग तैयार पे करनी आ। मैं वेखिया दीवे दे विच ना जनाब तेल कोई नहीं चिराग नहीं जलिया। मैं वेखिया के अपनी जोबड़ी दे अंदर अपनी कुठली दे अंदर वेखा कोई दिरमो दिनार मिल जान रुपया थे पैसा मिल जाए तेल खरीद के ले आवा बाजारो जावा बाजारो तेल लेके चिराग जलावा। लेकिन मनु मेरे घर विच पैसा नहीं मिलिया कोई रुपया दिरमो दिनार नहीं सिक्के मन पैसे नहीं मिले। हल्ला हल्ला बीबी आमना मायूस होके बैठ गईया ने कि हुन की कीता जाए। अरशां तो आवाज आई नी आमना तू मायूस होके बैठ गई है तू परेशान होके बैठ गई है कि चिराग किवें जलनगे। असल गल है नहीं है असल गल ए वे कि अज तू एक औरत जात होके अज तू एक खवाती एक खतून होके बाजार जाएंगी। बाजार भला चंगी जगह ते नहीं है बाजार अच्छी जगह ते नहीं है। अल्लाह नू ते बड़ी बाजारा तो नफरत ते मैं नहीं चाहता कि मुहम्मद दी मां बाजार विच जावे बाजारां विच फिरदी होवे। अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह हजरत तेजीब कार दूजी गल फरमाया नी आमना मैं किवें बर्दाश्त करा तेरी मेरी उम्मत विच ना तेरे कबीले वालियां विच कोई इंज दे लोग भी होणगे जिहड़े गरीब होणगे जिहड़े मारे होणगे ओ लैटां किवें लगा
कुरबान गे वो चराकी में लगान गे ते काफरां नू ते मिल जाएगा ना दुश्मनां नू ते बहाना मिल जाएगा ते तेरा ए नबी खेंजदा होएगा ए खेंजदा नबी आया जड़ा मुस्कुरावे ते सुई मिल जांदी ए इत्थे नबी दी जनाब वलादत मनान वास्ते चरागां दा इत्माम नहीं कीता जा रहा तेल नहीं मिल रहे इस वास्ते मैं नहीं जनाब दुश्मनां नू मौका देना चाहता कि चराग क्यों जलाए गए चराग वास्ते पैसे उधारे ले गए चराग वास्ते बाजारां दा रुख कीता गया हसरत ते जीव खार अल्लाह फरमांदे ने नियामना नियामना तू ते चराग इक लैन वास्ते जांदी पई ए गल सुन अज तक जितने भी चराग जल रहे सन अज तक जिन्नियां भी लैठां लग रही सन अज तक जिन्नियां भी रोशनियां जनाब हो रही सन बल्ब अज तक जिन्ने भी चमकदे पए सन मैं अल्लाह रब रहमान ने मुहम्मद नू पैदा करके सारे चराग बुझा छड़े ने मैं सारियां रोशनियां खत्म कर छड़िया ने बात समझ आ गई होएगी मैं सारे चराग बुझा छटे ने मैं सारियां रोशनियां खत्म कर छड़िया ने ते बीबी आमना नबी पाक अली सलातो सलाम दी सही हदीस है नबी पाक सुनन अबी दाऊद दे अंदर नबी पाक फरमांदे ने ओ कायनात दे लोगो जदों नबी पाक दे नबी पाक फरमांदे ने जदों मेरी आमद तो ही ना मैं पैदा होया ते मेरी आम मां आमिना फरमांदियां ने मेरे जिस्म दे विच्चों एक ऐसी रोशनी निकली है एक ऐसा रोशन जा चराग निकले है जिंदी रोशनी जनाब शाम ते किसरा दे मखल्लात ते जा पहुंची है ओ रोशनी ने जनाब कैसरो ते किसरा शाम दे मखल्लात विच 12 तो 14 घूंगड़ लगे गिरा दिते ने घूंगर गिर गए ने इस बात का मकसद है वे कि मैं नबी दी दावत शाम ते किसरा तक पहुंचनी सी मैं नबी दी दावत में नबी दी तबलीग ना कैसो किसरा तक जानी सी और नबी पाक फरमांदे ने जो मेरी हामत हो ही ना ते काबे विच रखे बुत अल्लाह ने मुंह बल गिरा दिते सन वजा अल हक वजा खल बातिल अल्लाह फरमांदे ने मैं पैगंबर नूं पैदा करके बादल दे सारे झूठे खनेरे खत्म कर दिते ने मैं सारे जनाब गलत खायद खत्म कर देने ने हजरत तजीब खार आइए बात अगे बढ़ाइए ना नबी पाक दी आमद होइए ना नबी पाक अपनी मां दे कोल कुछ दिन मौजूद रहे ने ते खलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन खजनाब इंज मक्के विच आईयां ने इंज मक्के विच आईयां ना ते कहंदियां इस तो पहले ना मेरे हालात मेरी छाती दे अंदर दुध नहीं सी हैगा मैं अपने सके बेटे नूं रजा के दुध नहीं सी पिला सकदी मेरे जानवर कमजोर सन मेरी बकरियां रजा के दुध नहीं सी देंदियां कमजोर ते पसलियां विच वड़ियां होईयां सन लाचार बकरियां सन ते हजरत अलीमा फरमांदियां ने मैं जदों मक्के आईयां मैं आमिना दे घर तो ला मुहम्मद नु उठाया है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मैं जी तो नबी पाक नु इंज गोद च उठाया ना मेरी छाती दे जनाब अंदर दुध आ गया इंज हजरत खलीमा फरमांदियां ने मैं अपने सके बेटे नु बिर जा के दुध पिलाया है मैं जनाब नबी पाक नु बिर जा के दुध पिला छड़िया ते इंज मैं बात अगे बढ़ावा इंज नबी पाक ने ओ गदी दे उत्ते सवार होए ने ओ खलीमा दी सवारी दे उत्ते सवार होए ने लचार सवारी इक लचार गदी कमजोर सवारी जेई हलीमा सवार हो के सब तो आखर मक्के आईया सुनना ते इंज जिदो नबी पाक सवार होए ते खलीमा फरमांदियां ओही सब
तो पीछे रहन वाली मेरी डाची मेरी सवारी है। सारिया जनाब सवारिया नु कट के सारे नु खरास करके अगे लंघदी जा रही है, अगे जांदी जा रही है। ते हजरत खारस हलीमा सादिया दे शोहर ओ बयान करदे ने के जिदो नबी पाक दी आमद होई ना ते मेरियां बकरियां दुद्ध दुद्ध हो गईयां। साडे इलाके विच कहत साली होया करदी सी, ओ कहत साली नबी दी आमद तो बाद खत्म हो गई। हर तरफ खुशहालियां सब्जियां, हर तरफ खुशहाल इलाका बन गया है। कौन आया जिंदे आया बखारा मुस्कुरा पईया, कौन आया जिंदे आया बहारा मुस्कुरा पईया। खिले ने फुल ते कलिया बहारा मुस्कुरा पईया। ओ जिन्ना रावा तो लंघ गई सवारी मदनी पीर दी, ओ रावा बन गई और रामा जन्नत बन गईया, फजामा मुस्कुरा पईया। अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरात ज़ीबकार आइए ना तवज्जो फरमाइएगा, मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इंज खलीमा सादियां दे घर नबी पाक दी आमद होइए, मेरे आमीना दे लाल इस दुनिया ते आए ने ना। हजरत आमीना दा घर खुशहाल हो गया, इंज जनाब हलीमा सादिया दी गोद च आए ना, हलीमा सादिया दी गोद खुशहाल हो गई है। इंज जनाब सवारियां थे नबी पाक सवार ने, सवारियां तेज रफ्तार बन गईयां, जानवर दुद्ध दुद्ध हो गए ने। बल्कि इस जगह ते मनु एक हदीस याद आ रही है, इंज ना नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दे मेरे नबी दा यार अबू बकर, मेरे नबी दा यार गार अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनहु। इंज जनाब दोवे हिजरत सफर थे जा रहे ने, जनाब चल दे चल देना। एक इलाके दे खां पड़ाओ होया, एक जगह ते पड़ाओ ठहरे ने नबी पाक। उस जगह ते जनाब कोई मखल्ला कोई नहीं, कोई कबीला कोई नहीं, कोई बस्ती आबाद कोई नहीं। इंज नबी पाक फरमांदे अबू बकर यार वेखना किसे कोई झोंपड़ी मिल जाए, कोई घर ते जनाब कोठड़ी मिल जाए, किसे ते खां पीन पानी मिल जाए, कोई खान नु खाना मिल जाए। इंज जनाब अबू बकर ने तलाश की, एक जनाब निकली जी झोंपड़ी। मैं बात दे रिलेटेड बात बयान करन लग्या वा। इंज निक्की जी झोंपड़ी एक मिली है, इंज नबी पाक नु नाल ले आए हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनहु ने। इंज जनाब दोवे यार चल दे चल दे उस झोंपड़ी के दरवाजे ते पहुंचे ने। इंज जनाब दरवाजा खड़काया, एक बुढ़ी जी माई आई है, पूछिया कौन है कौन आए हो। फरमाया सा मुसाफर हां, सानू पानी पीन मिल जाए। फरमाया ना कुछ नहीं, फरमाया कोई दुध मिल जाए पीन। फरमाया बकरी कमजोर है, बकरी ते दुध नहीं दे सकती। फरमाया कोई खाना मिल जाए, फरमाया कुछ भी नहीं, असी ते आप दुध ते गुजारा करन वाले ना। इंज देखना नबी पाक दी आमद उम्मे माबद दे घर होई है, उम्मे माबद दे घर नबी पाक आए ने। फरमाया नी मेरी मां मनु इजाजत दे, ओ जड़ी सामने बकरी खड़ी है, मां दा दुध छोला दुध धोलावा। फरमाया वे सोने लाल, मनु नहीं पता तू कित्थों आया है, तू
कोने ते किथे जान वाले है। मैं तेनु कह रही हूं बकरी दुध नहीं जे देंदी है, फरमाया नी मां इजाजत सानू देना है। इंज जनाब नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ना है, इंज चल दे बकरी दे थाना नू हाथ लगाए ते रब रहमान ने ना दुध देन वाली बकरी ते दुधा विच दुध भर छड़िया है, थना विच दुद्ध दुद्ध हो गया है। इंज नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ना चोई जांदे ने, नबी पाक दुद्ध धोई जांदे ने। नबी पाक ने सब तो पहले अम्मा नू पिलाया है, उस तो बाद नबी पाक ने अबू बकर सिद्दीक नू पिलाया है, उस तो बाद नबी पाक ने आप खुद दुद्ध पीता है। ते नबी पाक फरमांदे ने नी मेरी माँ नी अम्मा जल्दी घर पर बर्तन ले आ। इंज बर्तन आई जांदे ने, इंज जनाब भांडे बर्तन अम्मा लई आंदी है ते दुध आई जा रहा है। घर दे सारे बर्तन खत्म हो गए ने पर दुध नहीं खत्म होया। हजरत खारस शाम नू बकरियां लेके आए सन ते वेख्या हर तरफ दुध दुध नहीं। अल्लाह वालिए एक दुध कित्थों आ गया है, साडी ते बकरी नहीं ना दुध दे। फरमाया मनु आप नू हैरानगियां इस बात ते ने कि ना दुध देन वाली बकरी अज थरा थर दुध पई देंदी जांदी। फरमाया मामला की है, की मामला बने है, कि मैं दुध दे छड़े है। कहंदी मैनू नहीं पता, दो खीरे आए सन, दो लाल आए सन, दो बंदे आए सन, एक एक जनाब आका लगदा सी, एक हाकम ते बादशाह लगदा सी, दूजा उंदा गुलाम लगदा सी, एक हुक्म देंदा ते दूजा जी जी खरदा नजर आंदा सी। फरमाया उन्हां दा कोई नाम फरमाया नहीं पुछया, उन्हां दा कोई अता पता कित्थों आए सन ते किथे जान वाले सन। वे कमलिया खारस मैं इकल्ला कीवें पुछदी, मैं ते सोने ना दे दीदार ही खरदी रही हां, मैं ते उन्हां दे चेहरे तकदी रही हां, मनु ते उन्हां दे कम वेख के हैरानगियां खुंदियां रही हां। मैं ता उन्हां दे कम वेखदी रही हां, मनु जदों उन्हां दे चेहरे तों फुरसत मिलदी ते मैं उन्हां दे उन्हां दा अता पता पुछदी, उन्हां दा नाम पुछदी। हजरत मोहतरम इंज नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम दी आमद होई ना ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम इस दुनिया ते आए ते हर तरफ जुल्म ओ सितम दे जनाब बड़े ते बाजार सच्चे होए सन, हर तरफ शिरक लगया होया सी, हर बंदा शिरक दी दलदल दे अंदर फंस गया सी। नबी पाक आए ते सारे शिरक दे अड्डे मुक गए ने, नबी पाक आए जदों नबी पाक दा चराग रोशन होया है ना ते जुल्म मिट गए ने, जुल्म तरीकियां मिट गईया ने, अतलियां ते बेइंसाफियां मिट गईयां ने, शिरक खत्म हो गए ने। नबी पाक दी आमद ते जनाब इंसान नूं इंसान होण दा नाम मिलिया है। नबी पाक दी आमद ते ना जनाब इंसान नूं इंसानियत दा जनाब ओहदा मिलिया है। नबी पाक आए ते इंसान नूं पता लग्या कि अगला भी इंसान है। नबी पाक आए ते गरीब नूं हकूक मिले ने, नबी पाक आए थे यतीमां नूं उन्हां दे हक मिले ने। नबी पाक आए ना नबी पाक दी आमद होई थे बेटियां नूं जिंदा रहण दा हक दिता गया। नबी पाक आए थे औरत दी इज्जत महफूज कीती गई है। नबी पाक दी आमद होई ना ते अल्लाह ताला ने इस उम्मत दा सितारा रोशन कर दिता है। अल्लाह फरमांदे ने वदाईयन الله بإذنه وسراجا منيرا। अल्लाह फरमांदे ने असी अपने पैगंबर नूं रोशन चिराग बना के, दाई बना के, मुबल्लग बना के, असी खतीब बना के सारी कायनात सारी दुनिया वास्ते एक ही वक्त के अंदर पैगंबर भी बना के भेजे ते रसूल भी बना के भेजे।
और सिर्फ एक वक्त वास्ते नहीं। अल्लाह ताला फरमान देने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल आलमीन, सारे जहान वास्ते सारे वक्तों वास्ते पैगंबर बना छे। हूँ क़यामत आ सकती है, नबी आ सकता और नबी नहीं ना आ सकता कि आ सकता है, किसी का अकीदा है हथ खड़ा कर ले, नहीं आ सकता। हुन क़यामत आ सकती है, कोई पैगंबर नहीं आ सकता। आज शिबली टोन दे विच अगर कोई बंदा खड़ा होकर कहे कि मैं पैगंबर हाँ, मैं नबी हाँ, अल्लाह ने मैं नबूवत नाल सरफराज फरमाया, तो वह कज़ाब हो सकता, नबी हो सकता, वह झूठा हो सकता है, वह लानती हो सकता है, वह जनाब झूठ बोल सकता है, लेकिन वह पैगंबर नहीं बन सकता। मैं नबी दी आमद तो बाद अल्लाह फरमांदे ने वखातमन नबीयीन, मैं नबियां दी लड़ी दे उत्ते मोहर लगा दी है, स्टैंप लगा दी है, मैं ठप्पा लाता है, अज तो बाद कोई पैगंबर नहीं आना। ला नबी अबादी, अज तो बाद कोई पैगंबर नहीं आता। बल्कि नबी अली सलातो सलाम फरमांदे ने कायनात दियो लोगो, अगर अल्लाह ने मेरे बाद ना, एक नबी पाक ने मिसाल दी वैसी होना इंज कोनी सी, फरमाया लोगो अगर अल्लाह ने मेरे बाद किसी नू पैगंबर बनाना होंदा, किसी नू नबी बना के भेजना होंदा ना, तो अल्लाह ताला मेरे यार उमर नू नबी बना के भेज दे, उमर नू नबी बना के भेज दे। लेकिन हुन नबूवत बंद हो सकती है, इस वास्ते नबूवत बंद हो गई है, इस वास्ते हुन उमर भी नबी नहीं बन सकता। जो नबी दे इतने बड़े आला दर्जिया वाले सहाबी, इतने अच्छे खासे यार नबी नहीं बन सकते, थे आज दा मिर्जा किवें नबी बन सकते। अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओथरम यार मेरा आज जाना सवाल है, मेरी आज जाना गुजारिश यार, मनु दस नाम मैं किवें बारह रबीउल अव्वल दा दिन मनावा। मनु जनाब मदीने दे अंदर ना फातिमा रोंदी नजर आंदी है, जिंदा बाप इस दुनिया तो ठोर गया है ना। हजरात मोथर मनु ऐशा दा उजड़दा सुहाग नजर आंदे, मैं किवें बारह रबीउल अव्वल दा दिन मनावा। यारा एक दिन ही नबी पाक दी वफात हुई है, तेरे नजरिए दे मुताबिक उस दिन ही पैदाइश है। ते यार जदों एक घर विच खुशी ते गमी कट्ठे हो जानना, ते गमिया नू जनाब गलबा हासिल होंदा, गम नू मनाया जांदे। इंज समझो ना मेरे बरादर, अगर एक ही घर दे अंदर शादी होए, उस घर विच फोतगी हो जाए, ते लोग खुशियां भुल जांदे ने, लोग गम नू मनांदे ने। हजरात मोहतरम तेरे नजरिए दे मुताबक बारह दी वफात ते बारह दी पैदाइश, ते यार उस दिन ही तन भी फोत होए ने, उस दिन ही तन भी पाक पैदा होए ने। ते फिर खुशियां उत्ते गमिया नू ले आना, गम मना नबी पाक दी खुशी ना मना। हजरात मोहतरम मनु ते नबी पाक देना, सहाबा दियां सिसकियां नजर आंदियां ने, मनु नबी दे सहाबा इंज उदास नजर आंदे ने, मैं किवें झंडियां लहरा लवां, मैं किवें पहाड़ियां, मैं जनाबे जीव खार की में खुशियां ते जशन मनावा। ओ यारा नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ना जिदो इस दुनिया तो गए ना, खबरां पहुंच दियां नबी दे यार उमर नू मिलिया ने, उमर नबी पाक इस दुनिया तो गए चले, ते इंज जनाब हजरत उमर ने तलवार नियाम तो कढ़ी, खबरदार मैं सार तन तो जुदा कर देंगा। यार इतनी मुहब्बत खन वाला उमर, ते जिदो अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अनुना पता चलिया कि उमर नबी दी वफात नू नहीं पिया मनदा, ते इंज जनाब ऐत पढ़िए तिलावत कुरान, फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कबलिहिर रुसुल,
افئمات او قتل قلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا جدو حضرت ابو بکر نے تلاوت کیتی ہے نا عمر فرمان دے منو انج لگیا جویں قران ابو بکر تے نازل ہو رہے ہیں تے میں من گیا کہ نبی پاک وفات پا گئے نے انج جناب مدینے تے کہرام مچ گئے انج مکے مدینے دیاں گلیاں سنسان نے انج بلال نبی پاک دے بانگا بلال ابو بکر نو فرما رہے نے ابو بکر اگر تسی منو امیہ دے کولو خریدیا سی اگر اللہ دی رضا واسطے خریدیا سی نا تے پھر میں آزاد اج تو بعد میں مدینے نہیں رہنا چاہندا ہن میرا یار مدینے وچ کوئی نہیں میں جیندے واسطے مدینے آیا ساؤ میرا سردار کوئی نہیں تے میں جان لگیا واں اے جہاں جناب صحابہ روئی جا رہے نے تنو جشن دے پئے نے تو خوشیاں مناندا پیا اے حضرات محترم یار میں اگر من وی لواں کہ خوشی منانی ہے تے کیا یار نبی پاک دی زندگی دے وچ اے نہیں سی آیا یار نبی پاک دی نبوت تو بعد نا نبوت ملن تو بعد تے ای مرتبہ اے دن آیا اے نبی پاک نے اپنی سالگرہ نہیں منائی اب نبی پاک نے اپنا برڈے نہیں منایا نبی پاک نے نہیں منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے انج جناب نبی پاک نال بے پناواں محبتاں کرن والا نبی پاک دے نال بے پنا جناب پیار کرن والا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اونا دی زندگی دے اندر نا اے بار ربی الاول والا دن نا دو واری آیا پر نہیں منایا حکومت دا اختیار ہون دے باوجود طاقت رکھن دے باوجود نہ منائے نہ منان دا حکم دیتا ہے انج جناب حضرت عمر دے دور حکومت دے اندر 22 لاکھ مربع میل تے حکمرانی کرن والا جرنیل چاندا تے منا سکدا سی لوگاں نو کہہ سکدا سی نہ مناؤ لیکن نہیں منایا یار نبی پاک دے عثمان نو ویکھنا کتنا مالدار کتنا امیر شخص ہے اگر چاندے تھے مدینے تو لگ کے شام تک مکے تو مدینے تک جھنڈیاں لگا دین دے پہاڑیاں بازار سجا دین دے ہر آن جان والا رستہ سجا کے رکھ دین دے لیکن نہیں منایا نہیں منایا کیا انہاں نوں محبت نہیں سی بھلا نبی نال محبت سی پر منا شریعت وچ جائز کوئی نہیں سی حضرات زیب کار آئیے نا حضرت علی دی دور حکومت دے اندر نا اے 12 ربیع الاول دا دن جناب 5 واری آئے نہیں منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے انج جناب حضرت حسن دے دور حکومت وچ نا اے دن جناب اک واری آئے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے او یارا اہی دن میں صحابہ دی تاریخ دوران لگے آواں جناب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور حکومت وچ 19 واری آئے جناب 64 لاکھ مربع میل دا نبی دا یار حکمران بنے نہ منایا نہ منان دا حکم دیتا ہے انج جناب امام ابو حنیفہ امام اعظم دا لقب پان والا امام انہاں دی زندگی وچ 47 جناب جناب 47 واری اے دن آیا ہی نام منایا نہ امام صاحب نے منان دا حکم دیتا ہے آ میں تونوں تھوڑیاں تاریخاں چوں بتلانا چاہنا اللہ دی قسم منو میں تینوں بست نہیں کرنا چاہندا میں تینوں بدنام تے تیری جناب انسلٹ نہیں کرنا چاہندا میں تے اصلاح واسطے آیا واں او مسلمان نہ ٹچ موبائل تے ہر چیز تلاش
तलाश कर लेने, कदे काल अल्लाह भी तलाश करना, कदे काल रसूल भी तलाश करना, कदे नबी दे खलाते जिंदगी भी पढ़िया करना, इमाम मौलक दे जनाब जिंदगी विच ना, ए जनाब दिन 68 मरतबा आई, नाम नाया नमनान दा हुक्म दिता, यही दिन जनाब यही दिन इमाम शाफी दी जिंदगी दे अंदर 55 वारी आया, नमनाया नमनान दा हुक्म दिता। मैं बात नु मुख्तसर करा, हजरत अली खजवेरी दी हुकूम जनाब जिंदगी दे अंदर ना, ए 62 वारी आया नमनाया नमनान दा हुक्म दिता। सुल्तान पाखू दी जिंदगी विच भी तो गुजरिया है ना, वेखिया कदे उन्होंने जशन से जनाब ईद मनाई होवे नहीं ना मनाई, तो उन्होंने मुहब्बत नहीं सी, सी मुहब्बत लेकिन शरीयत इजाजत नहीं सी दें दी, यार शरीयत के खिलाफ नहीं सी काम करना चाहते। आज मैं ते तू गलियां बाजार पे सजाने, उधर फातिमा रोवे ते सी खुशियां मनाइए, उधर जनाब ऐशा रोवे ते सी खुशियां मनाइए, उधर हसन हुसैन दा नाना टुर जावे ते सी खुशियां मनाइए, उधर जनाब सहाबा रोई जांदे ने, अज साडा इमाम मस्जिद नबवी दा इमाम चला गया है, अज असी किवें खुशियां मनाइए। हजरात ज़ीवकार आप पिछले साल दी गल अपना वाकया बयान कर रहा, जो मैं सीखिया ना, मैं बाजार विच गया ते कुछ लोगों ने झंडियां लाइया, मैं एक भाई नू पुछया यार तू क्यों झंडियां लगा रहे हैं, हकीकी वाकया बयान कर रहे हैं। कहन मैं पुछया यार क्यों ऐ झंडियां लगा रहे हैं वे, कहंदा इश्क दे विच मनु नबी पाक नल बड़ा प्यार है, बड़ी मुहब्बत मैं करना मैं ता लगा रहे हैं, मैं नबी पाक तो पैसा कुर्बान कर देंगा। मैं पुछया यार है मनु दस ना, सुबह दी नमाज किथे पढ़ी, जोर असर किथे पढ़ के आए, मगरिब किथे पढ़ी, कहंदा करी साहब जनाब मैं अज सारा दिन झंडियां लगांदा रहा, उधरों मैनू फुर्सत मिलदी थे मैं नमाजा पढ़दा, बड़े फखर नाल गल कर दे, ओ यार नबी पाक ते आखरी वक्त भी ना, लोगों नू यही हुक्म देंदे सन के लोगो सला 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 नमाज दा ख्याल करना, नमाज दे पाबंद रहना, अपने गुलामां नाल अच्छा सलूक करना, जरा नबी जान आवे ते नमाज दा हुक्म देवे, जावे ते नमाज दा हुक्म देवे, अज तू उंदे प्यार विच झंडियां लगा के नमाजा नू छड्डी जाने, यार ख्याल करे अकर ख्याल करे अकर, नबी पाक ले सलातु सलाम ना, अल्लाह दा कुरान आया है फरमाया इन्नक मय्यितु व इन्नहुम मय्यितून।